हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो हमने अपना लास्ट वीडियो में सीबीएसई का सैम्पल पेपर स्टार्ट किया था अकाउंटेंसी का। आज हम करेंगे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है दैट इज ऑल्सो 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 1 to 16 है वो सारे ही क्वेश्चन 1 मार्क के हैं। सो लेट्स स्टार्ट। समीक्षा, अर्शिया एंड दिव्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो समीक्षा, अर्शिया एंड दिव्या है फर्म में पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 5:3:2 विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। 2022 फर्स्ट अप्रैल से क्या हुआ, दे अग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:5:3। क्या हुआ, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो उनकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्या गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस तो मतलब क्या, लॉस, नुकसान हो गया। एंड बैलेंस ऑफ 40,000 इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। और 40,000 का बैलेंस कहाँ गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्या होता है ये, एक रिजर्व होता है। हमने क्या किया, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस हो जाए तो उसको कवर करने के लिए हमने क्या किया, एक रिजर्व बना लिया था। उस रिजर्व की वैल्यू क्या गिवन है, 40,000। क्या है इसका मतलब, ये क्रेडिट बैलेंस। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 30,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी गिवन है, 30,000 अगेंस्ट द बुक वैल्यू ऑफ 50,000। मार्केट वैल्यू तो है इन्वेस्टमेंट की 30,000, बट बुक वैल्यू कितनी है, 50,000। तो मतलब कि जो हमने बुक्स में तो लिख रखी है 50,000, बट एक्चुअली मार्केट में वो कितने की है, 30,000 की। तो क्या हो गया, फर्म को तो नुकसान हो गया 20,000 का। फर्म ने तो अपनी बुक्स में लिख रखा है कि 50,000 की है, बट एक्चुअल में तो वो 30,000 की है। तो पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू शो रिवाइज वैल्यू इन द बैलेंस शीट। तो पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि वो बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू शो नहीं करेंगे। एंड टू पास एन एडजस्टिंग एंट्री फॉर इट, और वो उसके लिए एक एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। तो हमें वो एडजस्टिंग एंट्री बतानी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रीटमेंट। तो हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, वी हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। तो हमें क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, दैट समीक्षा, अर्शिया एंड दिव्या ये क्या थे, फर्म में पार्टनर। इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ओल्ड वो क्या था, 5:3:2। एंड विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 उन्होंने क्या किया, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। तो मीन्स ये क्या है, इनका न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो 2:5:3। तो हमने क्या करना है, ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, हमने क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो या फिर गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। क्या करते हैं, जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो वहां पर क्या होगा, कोई ना कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा, कोई ना कोई पार्टनर लूज कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो अगर जिसको पहले ज्यादा मिल रहा होगा अब कम मिलेगा, तो मींस उसने क्या किया, सेक्रीफाइस। और जिसको पहले कम मिल रहा था अब ज्यादा मिलेगा, तो मतलब उसने क्या किया, गेन। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट। समीक्षा को पहले कितना मिल रहा था, 5/10, अब कितना मिल रहा है, 2/10। अर्शिया को पहले कितना मिल रहा था, 3/10, अब कितना मिल रहा है, 5/10। दिव्या को 2/10, अब कितना मिल रहा है, 3/10। साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर जो समीक्षा है उसे पहले ज्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है, तो मतलब इसने क्या किया, सेक्रीफाइस। तो पहले उसकी ओल्ड रेशो ज्यादा थी, न्यू रेशो कम है, तो मतलब उसने क्या किया, सेक्रीफाइस। अर्शिया को पहले 3/10 मिल रहा था, 5/10 मिल रहा है, तो उसको क्या, 2/10 ज्यादा मिल रहा है पहले से, तो मीन्स उसने क्या किया, गेन। दिव्या को पहले 2/10 मिल रहा था, अब 3/10 मिल रहा है, तो मीन्स जो 1/10 है वो क्या है, गेन। ओल्ड रेशो कम था, न्यू रेशो ज्यादा हो गया, तो मीन्स यहाँ पर समीक्षा है वो सेक्रीफाइस कर रही है, और जो अर्शिया और दिव्या है वो गेन कर रहे हैं। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, कि जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन है कितना, 50,000 रुपीज। और क्या गिवन है, कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। क्या है ये, रिजर्व है, किस लिए बनाया गया है, ताकि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशंस हो तो उसके लिए हमने एक रिजर्व बना लिया।
तो उसका क्रेडिट बैलेंस गिवन है कितना, 40,000। और हमें क्या गिवन है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू, हमारी बुक में कितने की शो हो रही है, हमारी ये बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कहाँ आएंगी, एसेट्स में बुक वैल्यू कितनी शो कर रहा है, 50,000। बट एक्चुअली इसकी मार्केट वैल्यू कितनी रह गई, मार्केट वैल्यू 30,000। मतलब अब अगर इसको हम मार्केट में सेल करने जाएंगे तो हमें तो 30,000 मिलेंगे, तो 20,000 क्या हो गया, लॉस। कितना लॉस हुआ, 50,000 में से 30,000 माइनस कर दिए, जो 20,000 है वो क्या हो गया, फ्लक्चुएशंस। तो फ्लक्चुएशंस को कहाँ से करेंगे कवर, हमारे पास हमने क्या बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पहले ही 40,000 पड़े हैं। क्या होता है ये क्या होता है, एक तरह से हमारा बैंक, पिगी बैंक। हमने एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से एक पिगी बैंक बना लिया जिसमें कि हमारे 40,000 पड़े हैं। अब हमें 20,000 की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे। तो जब हमने 40,000 में से 20,000 ले लिए तो हमारे यहाँ पर कितने रह जाएंगे, 20,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितने रह जाएंगे, 20,000। अब यहाँ पर 20,000 रह गए, ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस, ये क्या था, डेबिट बैलेंस। अब हमें क्या करना है, एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। कैसे पास करेंगे एडजस्टिंग एंट्री, यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्या रह गया, क्रेडिट बैलेंस कितना रह गया, 40,000 था, 20,000 ले लिया हमने, कितने रह गए, 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस कितना है, 50,000। तो एक्चुअली जो वैल्यू है वो कितनी रह गई, 30,000। कौन सा बैलेंस है ये, डेबिट। अब हमें इसको क्या करना है, पार्टनर्स को बांटना है, समीक्षा, अर्शिया और दिव्या। जनरली हम क्या करते हैं, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है वो क्या करता है, रिसीव। गेनिंग पार्टनर क्या करता है, पे। यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्या है, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है तो क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंट्री को रिवर्स कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका बैलेंस क्या है, डेबिट है। डेबिट है मतलब नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो क्या, एंट्री हमारी रिवर्स हो जाएगी। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो पहले क्या कर रहा था, गेन, अब वो क्या करेगा, लूज। और जो गेनिंग पार्टनर है, पहले उसका अकाउंट क्या कर रहे थे हम, डेबिट, अब क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्या एंट्री पास करेंगे, समीक्षा अकाउंट डेबिट टू अर्शिया एंड टू दिव्या। अमाउंट क्या क्या होंगी, कितना है लॉस, 30,000 का। समीक्षा ने कितना सेक्रीफाइस किया, कितना था उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 3/10, तो 30,000 का 3/10, 9,000। तो समीक्षा का अकाउंट कितने से डेबिट हो गया, 9,000 से। अर्शिया का, अर्शिया ने कितना गेन किया, 2/10, तो मीन्स 30,000 इंटू 2/10। दिव्या का, 30,000 इंटू 1/10, कितना होगा, 6,000 एंड 3,000। तो समीक्षा का अकाउंट डेबिट होगा 9,000 से, अर्षा और दिव्या का क्रेडिट होगा 3,000 से। तो हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए। हमारा आर आंसर विल बी ऑप्शन ए, समीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अर्षा टू दिव्या। हमने हमारी यहाँ एंट्री रिवर्स क्यों की, अगर ओल्ड रेशो होता, हमारा लॉस 30,000 का होता, तो समीक्षा का ओल्ड रेशो में कितना लॉस होता, ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग 30,000 इंटू 5/10, 30,000 इंटू 5/10 मीन्स 15,000। समीक्षा को कितना लॉस बियर करना पड़ता, 15,000। अर्षा को कितना बियर करना पड़ता, 9,000, और दिव्या को 6,000। बट अब न्यू रेशो के अकॉर्डिंग समीक्षा को कितना बियर करना पड़ेगा, 30,000 इंटू 2/10, कितना, 6,000। अर्षा को कितना बियर करना पड़ेगा, 15,000, और दिव्या को कितना बियर करना पड़ेगा, 9,000। तो यहाँ पर समीक्षा का पहले लॉस ज्यादा था, अब उसको लॉस कम बियर करना पड़ रहा है, तो समीक्षा को क्या हो गया, फायदा। तो समीक्षा को फायदा हो गया, तो समीक्षा क्या करेगी, अर्षा और दिव्या को पे करेगी,
तो समीक्षा का कैपिटल अकाउंट हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अर्शिया को पहले 9,000 का लॉस हो रहा था, 15,000 का हो रहा है, तो मीन्स अब अर्शिया को 6,000 मिलेंगे। किससे? समीक्षा से, गेनिंग पार्टनर से। इन द सेम वे पहले दिव्या का लॉस था 6,000, बट अब दिव्या का लॉस में शेयर कितना है, 9,000, तो अब दिव्या को 3,000 एक्स्ट्रा बेयर करने पड़ रहे हैं। तो वो किससे लेगी वो 3,000 जो उसको एक्स्ट्रा बेयर करने पड़ रहे हैं? समीक्षा से। तो इसीलिए हमने क्या किया, अर्षा और दिव्या का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया और समीक्षा का डेबिट कर दिया। तो हमारी एंट्री क्या हुई, समीक्षाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अर्षियाज कैपिटल अकाउंट टू दिव्याज कैपिटल अकाउंट 9,000, 6,000 एंड 3,000, एंड करेक्ट एंड आर करेक्ट ऑप्शन इज ए।